हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रह पे रहोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कलर वीड ऑफ टेट्रा फिश के टैगमेट्स के ऊपर। देखा, अगर मैं 3 साल पहले भी बात करूँगा, सिर्फ मार्केट में दो ही टेट्रा फिश थी। दो टेट्रा मतलब दो ही वीडो टेट्रा फिश थी। एक तो थी ब्लैक स्कर्ड वीडो टेट्रा और दूसरी थी प्लेटिनम वीडो टेट्रा। और आज के डेट में आप देखोगे तो हर एक मल्टीपल कलर में का वीडो टेट्रा अवेलेबल है। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, बाद में पिंक हो गया, रेड हो गया, वायलेट हो गया, बहुत सारे टेट्रा कलर वीडो टेट्रा अवेलेबल है और काफ़ी बड़े लार्ज स्केल में इनका सेलिंग है। मैं देखता हूँ कि हर एक एक्वेरियम में है, उसका अलग अलग साइज़ के हिसाब से रखा रहता है और काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी आई कैचिंग है फिश है। और हर एक हॉबीस्ट इनको जब भी देखता है तभी उनके लिए अलग से वो एक्वेरियम बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे आपके लिए मैं 20 टैगमेंट्स लेके आया हो जो आप कलर वीडियो टेट्रा के साथ आप रख सकते हो इजीली। इस वीडियो में मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ग्रुप किए हैं फिशेस के जो कि आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एज अ ग्रुप वाइज, तो काफ़ी आसान रहता है। मैं एक के ऊपर एक आपको मैं टैगमेंट्स बताऊंगा तो उतना आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप ग्रुप वाइज जाओ तो आपको काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कौन से फिश है हम लोग रख सकते हैं एज अ ग्रुप वाइज। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक देखिए, अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको आप ऑन कीजिए। ऐसे में नए नए वीडियोज़ आपके लिए आते रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो ग्रुप है वो है टेट्रा फिश। इस टेट्रा ग्रुप में मैंने 4 टेट्रा है वो ऐड किए हैं। पहला है कार्डियन टेट्रा, नियॉन टेट्रा, हॉकी स्टिक टेट्रा, फोर्थ वन इज लविनोस टेट्रा। चारों भी टेट्रा अगर आप देखोगे तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में और प्राइस कंपेरेबली बहुत ही ज़्यादा कम रहती है इसकी। 50, 60, 100 रुपीज़ तक इसकी पेयर आते हैं मार्केट में, जैसे आपका साइज रहेगा उसके हिसाब से। तो इनको आप कलर वीडियो टेट्रा के साथ आप रख सकते हो। बस एक ध्यान में रखना कि कलर वीडियो टेट्रा स्कूलिंग फिश है तो उसकी जो क्वान्टिटी है हमें हमारे एक्वेरियम में 6 से ज़्यादा रखनी चाहिए। और उसके साथ टेट्रा फिश भी एक स्कूलिंग फिश है तो उसकी भी क्वांटिटीज है हमें 6 से ज़्यादा रखने चाहिए हमारे एक्वेरियम में। बाद में दोस्तों, जो दूसरा जो ग्रुप है वो है डैनियो ग्रुप। इसमें मैंने 2 फिश है वो ऐड करने वाला हूँ। पहला जो है वो सेलिस्टल पर डैनियो, जिसे हम लोग गैलेक्सी राजबोरा भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो जेब्रा डैनियो। जेब्रा डैनियो में भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है तो कलर वाइज आप रख सकते हो। या ब्लैक स्ट्राइप में भी आते हैं जो पहले कॉमनली आते थे अवेलेबल होते तो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। दूसरा है सेलिस्टल पर डैनियो, तो उनको भी आप रख सकते हो कलर वीडियो टेट्रा के साथ किसी भी दिक्कत के बिना। तीसरा जो ग्रुप है वो है राजबोरा। राजबोरा में मैंने हार्ली खुद राजबोरा को ऐड किया है, चिली राजबोरा को ऐड किया है। चिली राजबोरा काफ़ी रेयरली मिलेगा, अगर मिला तो काफ़ी अच्छी स्पेसीज है चिली राजबोरा। तो दोनों राजबोरा को, दासबोरा वेराइटीज़ को आप रख सकते हो कलर वीडियो टेट्रा के साथ। सिर्फ ध्यान में ये रखना कि ये भी एक स्कूलिंग फिश है तो इनको भी आपको ग्रुप में ऐड करना चाहिए कलर वीडियो टेट्रा फिश के साथ। बाद में दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गुरामी फिश में। गुरामी फिश में आप ज़्यादा करके ट्राई करोगे ड्वार्फ गुरामी रखने के लिए, क्योंकि जो अदर जो गुरामी है वो थोड़ा एग्रेसिव कभी कभार हो जाते हैं, तो आपकी जो कलर वीडियो टेट्रा की जो कॉलोनी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 गुरामी फिश है वो आपको मैं बताने वाला हूँ जो आप इजीली आप रख सकते हो कलर वीडियो टेट्रा के साथ। फर्स्ट है ड्वार्फ गुरामी, दूसरा है हनी गुरामी। तो इनको आप रख सकते हो कलर वीडियो टेट्रा फिश के साथ इजीली किसी भी दिक्कत के बिना। बस अवॉइड करो जो अदर स्पेसीज ऑफ गुरामी फिश की, वो थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं तो चांसेस है टेट्रा फिश की कॉलोनी वो डिस्टर्ब करने की। अदरवाइज़ काफ़ी ये जो दोनों जो मैंने आपको वेराइटी बोले काफ़ी शांत वेराइटी है तो एकदम सूटेबल है आपके कलर वीडियो टेट्रा फिश के लिए। बाद में दोस्तों, अगर आपको सिकलेट फिश की वेराइटीज़ है वो अगर आपको ऐड करने की रहेगी तो मैंने यहाँ पे 3 सिकलेट फिश की वेराइटीज़ है वो आपके लिए बायफर्गेट करके रखी है। पहले है पोलवियन रैम, दूसरा है इलेक्ट्रिक ब्लू रैम, तीसरा है जर्मन ब्लू रैम। इनमें बलून्स की भी वेराइटीज़ आती है तो भी आप ऐड कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी वेराइटीज़ आप ऐड कर सकते हो कलर वीडियो टेट्रा फिश के साथ। बाद में दोस्तों, अगर आप एक अच्छा कम्युनिटी एक्वेरियम बनाना चाहते हो तो हमेशा एक हॉबीस्ट है कम्युनिटी एक्वेरियम अगर वो बना रहा है तो वो ऐड करता है बॉटम फीडर को। तो अगर आप बॉटम फीडर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो
आपको मैं कुछ सजेशन देता हूँ बॉटम फीडर की, जैसे ब्रिस्टल नट हो गया या फिर एल सीरीज़ का प्लेको हो गया, जो स्मॉल साइज़ में बढ़, जैसे कि जेबरा प्लेको वगैरह है, स्टारलाइट प्लेको है, स्मॉल साइज़ में बढ़ते तो आप रख सकते हो। उसके बाद कुली लोच रख सकते हो, उसके बाद आप रख सकते हो कोरिडोरस कैटफिश। तो ऐसे बॉटम फीडर के भी काफ़ी चॉइसेस है जो आप रख सकते हो कलर वीडो टेट्रा फिश के एक्वेरियम में। उसके बाद दोस्तों लार्ज जो ग्रुप है जो मैं ऐड करने वाला हूँ इस वीडियो में एज अ टैंकमेट्स फॉर कलर वीडो टेट्रा फिश, वो है लाइव बेरर। तो लाइव बेरर काफ़ी अच्छा, मतलब एक तो आपके पास कलर वीडो टेट्रा फिश है, अगर आप और कुछ आप कलर से ऐड करना चाहते हैं आपके एक्वेरियम, लाइव बेरर से अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो इसे मॉली ऐड कर सकते हो, प्लेटी ऐड कर सकते हो, या फिर आप सॉर्टेड फिश आप ऐड कर सकते हो। लाइव बेरर फिश है और ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव हो गए कलर वीडो टेट्रा फिश के साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो कलर वीडियो टेट्रा फिश के टैंकमेट्स के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको 20 आपको मैं टैंकमेट्स बताया है, और वो भी आपको मैं बायफर्गेट बताया है, एक ग्रुप में बताया है, जिसे आप इजीली आप समझ सकते हो कि कौन से फिश की वेराइटीज है वो हम लोग रख सकते हैं कलर वीडियो टेट्रा के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक मुझे आप इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।